अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कोरोना वायरस के ऊपर है कि कोरोना वायरस आज कल बहुत ही स्पीड के साथ पूरी दुनिया के ऊपर फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस फैलता कैसे। तो यहाँ पे आप अगर इस पिक्चर पे देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी के साथ भी क्लोज़ कांटेक्ट नहीं रखना। कि क्लोज़ कांटेक्ट जब भी आप रखेंगे, दो पर्सन जब आपस में एक दूसरे को हैंड शेक करते हैं या टच करेंगे, तो उससे क्या होगा, वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, ठीक है। और पॉइंट टू पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर जो लड़की है या तो कफिंग से और स्नीजिंग से भी क्या होता है, वायरस फैलता है। तो आपको खांस में भी एहतियात करें और साथ साथ छींकने में भी एहतियात करें, कि जो इन चीज़ों से भी क्या होगा, वायरस फैलेगा। अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि अब आप किसी भी जगह को टच करेंगे जहाँ पे पहले से वायरस हो, तो उससे क्या होगा, वायरस वहाँ से आपकी बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों से बचना कैसे चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने क्या करना है, एक कम से कम 6 फीट या आप कह सकते हैं 2 मीटर के फासले पे एक दूसरे से रहें। जितना कि एक दरवाज़ा होता है, इतने दरवाजे के हिसाब से आप क्या करें, एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रहें। और कोशिश ये करें कि जिनके साथ आपको खास ज़रूरत नहीं है उनसे आप दूरी बनाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको खांसी आए या छींकने की ज़रूरत पड़े, तो अब आप क्या करें, अपने मुंह को बिल्कुल कवर कर दें किसके साथ, किसी भी कपड़े के साथ या फिर अपने एल्बो बाजू के साथ आपने इसको करना है कवर करने। तो जैसे कवर करेंगे उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये स्प्रेड कम होगा, और कुछ टाइम के बाद आपने क्या करना है, अपने कपड़ों को चेंज कर लेना है। और पॉइंट थ्री है कि आपने अपने हाथों को रेगुलर वॉश करना है। तो रेगुलर वॉश करने से क्या होगा कि आपके अंदर बीमारी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।